नमस्ते दोस्तों, गाड़ी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग खड़े हैं इस होंडा ग्राजिया वर्सेस सुजुकी एक्सेस 125, और आज हम दोनों का कंपेयर करेंगे और फुल रिव्यू करेंगे और साथ ही बताएंगे कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उससे पहले सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, करके देखे सब्सक्राइब, मज़ा आ जाएगा बहुत। गाड़ी जोन की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबा के अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि आपको पता चल जाए कि मैंने अपनी नई वीडियो कब डाली है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। होंडा ग्राजिया जानी जाती है अपनी स्पॉटी लुक, हाई फीचर्स और अमेजिंग बॉडी ग्लाइडिंग के थ्रू से। और ये बहुत मॉडर्न जनरेशन स्कूटी है बोल सकते हैं। होंडा रिसेंटली 2018 में लॉन्च किया गाड़ी को, और इसमें आपको अमेजिंग बॉडी ग्लाइडिंग मिल जाएगा। और इन फर्स्ट इन सेगमेंट आपको टैगोमीटर मिल जाता है इसमें, और ये फुल डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा आपको। बहुत से अमेजिंग फीचर्स है गाड़ी में आपको। एक्सेस 125 जानी जाती है अपनी हाई परफॉर्मेंस और क्लासी लुक के थ्रू से। ये बहुत सिंपल स्कूटी है लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है, और गाड़ी चलाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। दोनों गाड़ी बेस्ट है, दे स्टैंड इन बिटवीन देम। होंडा ग्राजिया में आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अलॉय और डीलक्स। ये डीलक्स मॉडल देख रहे हैं, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और एक्सेस 125 में आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाएगा, ड्रम सीबीएस, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और स्पेशल एडिशन डिस्क ब्रेक मिल जाएगा उसमें। और ये आप देख रहे हैं ड्रम सीबीएस कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। आइए बैक से स्टार्ट करते हैं, और बैक में आपको दोनों में ही सिंपल हेलोजन लैंप मिल जाएगा। और ये एक्सेस में आपको डुअल ग्लास हेलोजन लैंप मिलता है, और ये इसमें आपको एक्स शेप में हेलोजन लैंप मिल जाएगा नंबर प्लेट। और इसका साइलेंसर आपको ब्लैक में कार्बन फाइबर का फिनिशिंग मिलेगा प्लास्टिक के साथ। और यहाँ आपको मड फ्लैप मिलता है, और एक्सेस 125 में आपको यहाँ पे स्टील का फिनिशिंग मिलेगा साइलेंसर में, और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मड फ्लैप मिलती है। और ये है स्टील बॉडी, आगे से लेके पीछे तक स्टील बॉडी मिलेगा आपको। और ग्राजिया में आपको पूरा फाइबर बॉडी मिल जाएगा, और 3D में आपको मिलेगा ग्राजिया लिखा हुआ। और यहाँ पे आपको स्पॉटी हैंडल मिल जाएगा यहाँ पे आपको कट्स के साथ, और यहाँ सिंपल हैंडल मिलता है। और एक्सेस 125 में आपको टू जोन सीटिंग पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन इसका सीट थोड़ा चौड़ा है एज कम्पेयर टू ग्राजिया। ग्राजिया का सीट आपको टू जोन कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है, लेकिन उतनी कुशनिंग एरिया नहीं है इसकी जितनी एक्सेस 125 की है। और लेग रूम भी आपको ज़्यादा मिलता है एक्सेस 125 में। एक डेमो है कि एक सिलेंडर को आप वर्टिकली खड़ा कर सकते हैं एक्सेस 125 में। और ग्राजिया का लेग रूम आप देख रहे हैं, और आपको फुटरेस्ट ग्राजिया का स्टील में मिल जाएगा, और विद यहाँ पे आपको ब्लैक कार्बन फाइबर का फिनिशिंग मिलेगा जो गाड़ी की लुक और इनहेंस करती है। यहाँ वेंट्स, और ये इसका बूट स्पेस है। और सबसे यूनिक बात ये है कि इसका जो बूट स्पेस है 5.3 लीटर, तो फ्यूल टैंक भी इसका 5.3 लीटर का है। दोनों सेम लीटर प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज एंड फ्यूल टैंक। और इसका फ्यूल बाहर से खुलता नहीं है, होंडा की सारी गाड़ी की फ्यूल बाहर से ओपनेबल नहीं है। और एक्सेस 125 में आपको 21.8 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है विथ 5.6 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है एज कम्पेयर टू ग्राजिया। और ग्राजिया में आपको यहाँ वेल प्रीमियम क्वालिटी का फाइबर यूज किया हुआ मिलेगा, और बहुत सारे डिजाइंस हैं जो गाड़ी की लुक और इनहेंस करती है। और ये है मॉडर्न इग्निशन स्लॉट जो होंडा बोलता है, सारी गाड़ी में होंडा में आपको इग्निशन स्लॉट मिलेगा यही
सीट आपको यहाँ बटन से खुलेगा, और ये है इग्निशन स्लॉट सुजुकी एक्सेस का, सीट ओपनेबल यहीं से और इग्निशन स्लॉट लॉक भी यहीं से होता है। और ये है लेग रूम, लेकिन उतनी प्रीमियम क्वालिटी का फाइबर नहीं यूज़ किया है सुजुकी। और सबसे बड़ा चीज़ आपको ग्राजिया में मिलता है, ये है डिजिटल कॉन्सोल, फुल्ली डिजिटल। ऊपर में आपको स्पीड, और ये आपका टैगोमीटर है, आरपीएम मीटर जिसको बोल सकते हैं, और यहाँ आपका 3 इंडिकेटेड इकोनॉमी मोड, यहाँ आपको टेम्परेचर, ये आपका डिस्टेंस रनिंग, और ये आपका फ्यूल का इंडिकेट करता है, यहाँ आपका ब्लिंकर्स का, और ये आपका हाई डिपर का ऑप्शन। फुल्ली डिजिटल कॉन्सोल है ग्राजिया में, और यहाँ आपका स्विचेस चोक ग्राजिया की यहाँ मिलेगी सेल्फ। ये BS4 मॉडल है, तो आपको यहाँ लाइट नहीं मिलेगा, और AHO भी, और एक्सेस 125 भी BS4 मॉडल है विथ AHO। तो एक्सेस 125 में सिर्फ आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है जो ऑन करने के बाद एक बार ऑन हो जाता है, और यहाँ आपको डिजिटल कॉन्सोल मिलेगा जहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर, ऑयल चेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, लो फ्यूल इंडिकेटर, और इकोनॉमी यहाँ आपको एनालॉग मिल जाएगा, लेकिन ग्राजिया में आपको डिजिटल इकोनॉमी मोड शो करता था। और यहाँ आपका लाइट्स के कंट्रोल्स, यहाँ आपको चोक मिल जाता है एक्सेस 125 में, और यहाँ आपको पॉकेट मिल जाता है, और यहाँ आपका सेल्फ, दोनों के ही मिरर ब्लैक में है। और ग्राजिया का यहाँ पे आपको पॉकेट मिलता है, यहाँ आपको खुलने वाला लीकेबल पॉकेट है, और यहाँ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा चार्ज करने के लिए, और ये आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है। आइए साइड प्रोफाइल देखते हैं। साइड प्रोफाइल से ग्राजिया आपको माइंड ब्लोइंग दिखती है, और इसमें आपको कट्स मिल जाते हैं एरोडायनेमिक के लिए, और इसकी हेडलाइट और ब्लिंकर अटैच है, गाड़ी की और लुक एनहेंस कर रही है। और फ्रंट में आपको टेस्ट्रोपिक सस्पेंशन मिल जाता है विद डिस्क ब्रेक, ब्लैक अलॉय व्हील 12 इंच के टायर्स के साथ। गाड़ी की लुक बहुत एनहेंसिंग है, और थैंक्स टू होंडा वेल डिज़ाइन ग्राजिया। एक्सेस 125 एक फ्लैगशिप स्कूटर है, और इसमें आपको क्रोम का फिनिशिंग मिलेगा, और ब्रॉड हेलोजन लैंप के साथ, और ये रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। गाड़ी वेल डिजाइन है, क्लासी लुक प्रोवाइड करती है, और ये भी आपको आगे में टेस्ट्रोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, लेकिन डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। टॉप एंड वेरियंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। एक्सेस 125 आपको बहुत क्लासी लिखती है बाहर से, और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको होंडा ग्राजिया में LED लैम्प मिल जाता है, जो बहुत यूनिक फीचर है, और गाड़ी की लुक और इन्हेंसिंग कर रही है, और इसका पावर, लाइट पावर भी बहुत अच्छा है। बट एक्सेस 125 में आपको येलो लाइट मिलता है, जो गाड़ी पहले से ही उतनी ओल्डिश टाइप की लाइट है ये, लेकिन लाइट पावर आपका गाड़ी का बहुत अच्छा है जो येल्लो लाइट एमिट करता है। और ये है 124.9 cc सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 8.52 bhp और 10.54 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और आपको 45 का माइलेज मिल जाएगा 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक से, और 318 किलोमीटर चल जाएगा एक बार फ्यूल टैंक फुल करने के बाद। और ये है 124 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 8.7 टॉर्क और 10.2 न्यूटन मीटर, 60 का एवरेज मिल जाएगा, और ये बहुत पेपी इंजन है एज़ कम्पेयर टू होंडा ग्राजिया, और इसका हाई एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और चलाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, आप देख रहे होंगे एक्सेस 125 का टॉर्क ज़्यादा है इसका, इसलिए इसका बैक व्हील बहुत स्पिन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू होंडा ग्राजिया। अगर आपको एक स्टाइलिश लुक, होंडा जैसा ब्रांड, एक रेट्रो स्कूटी विथ एरोडायनेमिक और एक टैगोमीटर विथ फुल डिजिटल कॉन्सोल चाहिए, तो आप ग्राजिया को ले, आपकी विश लिस्ट पूरा करेगी। और अगर आपको एक क्लासी लुक, एक फ्लैगशिप स्कूटर और हाई परफॉर्मेंस, एक पेपी इंजन चाहिए, तो आप एक्सेस 125 को ले, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त स्कूटी है, और इसका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, चलाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बताइए। थैंक यू।